हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी रॉदर मॉडल ऑफ एटम इससे पहले हम डिस्कस करके आए हैं नोट्स में कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब स्ट्रक्चर आया था तो काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स आए थे जिसमें से तीन हमें स्टडी करनी है एक हम जे जे थॉम्पसन वाला पढ़ के आ चुके हैं जिन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया था कि पूरे ऐटम में सारे पॉजिटिवली चार्ज फैले होते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पर सीट्स की तरह वो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये उनका था स्ट्रक्चर एटम का अब हम बात करने वाले रॉदर ने क्या मॉडल प्रेस

ने नेम दिया न्यूक्लियस तो कंसिड है ही रेफर टू दिस एरिया ऑफ द एटम एज न्यूक्लियस तो बेसिकली इन्होंने हमारे यहां पे न्यूक्लियस का डिस्कवर किया Then another idea put forward by Rutherford's nuclear model was that the atoms nucleus should be surrounded by negatively charged electrons. अब उन्होंने बोला कि ये जो हमारा nucleus है ना अब इसके आस पास जो है ना negatively charged electrons घूमते हैं जो कि हमारे electrons है तो उन्होंने बोला वो इसके आस पास

अब हम बात करेंगे क्या एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे वो इन कंक्लूजन पे पहुंचे सो द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट दिस इज वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट जो किया गया था जिससे एक्चुअल में आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं एलिमेंट का एटम का वो वहां से डिस्कवर हुआ था तो पढ़ लेते हैं टू डिटरमाइन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉर रैपिडली मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर डायरेक्टली टू बॉम्बर्ड अ थिन शीट ऑफ गोल्ड सो एक थिन थिशीट ऑफ गोल्ड दिया गया एंड अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उससे वहां से पास ऑन किया गया ना अच अच्छा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ अब देखो अगर हम पहले जनरल बात करते हैं कि एक गोल्ड फॉइल लिया है एंड उसके एक एटम की बात करे है, कि इस से, हम उसको करेंगे Now, उन्होंने पहले सजेस्ट किया था मॉडल तो भाई अब जब रेज यहाँ से पास होंगी तो अपना चाहिए तो पड़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज जैसे हम दो चीजें अगर दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज उसको पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव

डिफ्लेक्शन देखने को बोला कुछ रेस ऐसे सीधी चली गई ये भी देख लो सीधी चली गई यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ इस तरीके चली गई यहाँ से फिर आराम से निकल गई यहाँ पे गया तो टर्न बैक हो गई यहाँ से फिर सीधी जगह से निकल गई यहाँ से फिर आराम से निकल गई एंड यहाँ से इस तरीके से आराम से निकल गई तो ज्यादातर तो सारी स्ट्रेट लाइन से ही निकल गई है तो आप कंक्लूजन देखते हैं क्या निकले इसके अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्ड थ्रू द गोल्ड फिल्म विदाउट बींग डिफ्लेक्टेड अब भैया वो कह रहे हैं वहां तो कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं वो तो रेस घुसी और वहां से सीधा बाहर निकल गई दैट मीन उन्हें रास्ते में कुछ टकराया ही नहीं इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया इंडिकेटिंग दैट द मेजोरिटी ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम टी एज अ रिजल्ट एन एटम्स मेन पोर्शन मस्ट बी एम टी तो वो कह रहे हैं जब वो इतनी सारी लाइन आराम से निकली जा रही है एटम में से मतलब एटम का जो मेजोरिटी पार्ट होगा वो तो खाली ही है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं है वो बिल्कुल खाली पड़ा है वो आराम से इसलिए तो जैसे वो कह रहे थे ना कि पूरा स्प्रेड हो रखा है पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं है खाली जगह आगे देखते हैं वेन बॉम्बर्डेड फॉइल ओनलीक्टर बॉम्बर्ड होता है रेस फेंकना द गोल्ड फॉइल ओनली डिफ्लेक्टेड अ स्मॉल नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स सिर्फ कुछ नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया गया था दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली स्लाइट एंगल्स और ऐसा भी नहीं देखो कुछ ज्यादातर मतलब वो कह रहे हैं जैसे यहाँ ये पात्र था उसको और इतना स्लाइट चेंज आया छोटे से एंगल का चेंज आया है एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली स्लाइट एंगल्स सो ही अराक्लूजन दैट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम एंड इज नॉट डिस्पर्ड ईवेली जो उन्होंने बोला कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में वो कलेक्ट हो रखे और ऐसे ईवेली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ठीक है यहाँ से ये कंक्लूड किया एंड फाइनली वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल है एट अ लार्ज एंगल और काफी कम जो देखा गया कि लार्ज एंगल पे गए हैं या जिन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया है कहा गया

ठीक so, है, है. चलो ना अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट पूरा समझ आ गया तो, तो बहुत अच्छी बात है कंक्लूजन सारे समझ में आ गए होंगे अदरवाइज मैंने बहुत सिंपल वर्ड में कंक्लूजन लिख दिए ताकि इसको एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा चल सो so, कंक्लूजन क्या निकला बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड टूवर्ड द गॉड गोल्ड शीट वेंट थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सो द मेजोरिटी ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज वैकेंट मतलब खाली है तो भैया क्योंकि जो रेज है वो तो आराम से ऐसे निकल गई कोई डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ तो उसने कंक्लूड किया

एंड बहुत ही कम उसमें

चलो अब जी वॉट आर द पॉस्टुलेट ऑफ रॉदर फ्रॉड पॉस्टुलेट बेसिकल यूनिवर्सल ट्रूथ जो अभी तक माना जा रहा है

वही तीन चीजें क्या उन्होंने बोला कैसे एक्सपेरिमेंट में आई क्या उसका कंक्लूजन निकला और क्या वो यूनिवर्सल उनमें क्या क्या यूनिवर्सल ट्रुथ बन गए हैं वही चीजें सो डोंट बी कंफ्यूज की और इतना बड़ा है ये ही नहीं समझ आए ऐसा मत सोचना चलो कमिंग बैक हियर

नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स दैट सराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट फास्टर इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस सच अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट अब उन्होंने क्या बोला ये हमारा एटम है एटम थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ मैं सो so, ये हमारा एटम है उसके बीच में अगर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज और हमारे प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स है तो वो कह रहे हैं ऐसे सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारे जो नेगेटिवली चार्ज है वो घूमते हैं ठीक है जी सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज टाइटली पैक्ड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एटम ईदर हैज नो नेट चार्ज और इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अब वो कह रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये तो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो वो कह रहे हैं या तो एटम का नेट चार्ज जीरो हो जाता है या इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो न्यूट्रल रहता है द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय अ अस्ट्रॉगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को काफी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ यहाँ पे अब ये सारी चीजें बड़ी सही लगी हाँ सब कुछ सब कुछ सही है लेकिन इनके एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन है मतलब कुछ कमियां रह गई जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सके सबने बैठा उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात करी बड़े बड़, बड़ा अच्छा इन्होंने निकाल दिया बड़ी सारी चीजें बता बड़, बड़ी सही सही बता दी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बात इन्होंने डिस्कवर कर दी लेकिन भाई अब उन्होंने कहा कि रॉदर मॉडल प्रिडिक्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल ऑर्बिट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज़ नॉट एंटिसिपेटेड टू बी स्टेबल भैया अगर ये न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसके अराउंड रिवॉल्व करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे सो विथ टाइम वो इसका रिवोल्यूशन होते 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 कम होते होते हो जाके न्यूक्लियस में टकरा नहीं जाएगा और वो एटम फिर स्टेबल कैसे रहेगा लेकिन हमें पता है एटम्स हमारे स्टेबल होते हैं लेकिन भैया अब आप इसको एक्सप्लेन करो कि आप कह रहे हो वो ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है तो धीरे धीरे करते करते वो जाके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज भर है उसमें जाके टक्कर क्यों नहीं खा रहा सो विच इज नॉट एन अच्छा अ चार्ज पार्टिकल इन अ रैपिड मोशन अलॉन्ग सर्कुलर रूट वुड लूज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एंड इवेंचुअली कोलैप्स इन टू द न्यूक्लियस ये होना चाहिए दिस कॉज इज एन एटम टू बी अनस्टेबल और अगर वो जाके वहां गिर जाता है तो ऐटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा वेयर एज वी नो दैट एटम्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल लेकिन हमें पता है एटम स्टेबल होते तो भाई इस चीज को एक्सप्लेन करो उनसे पूछा गया कि आप बोल तो रहे हो चलो आपकी बात मान लेते हैं लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करो कि ये फिर एटम वो जो नेगेटिव चार्ज है जाके न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुसता और एटम स्टेबल कैसे रहते मतलब इन मतलब मोटा मोटे वर्ड्स में कहें तो अब ये एक्सप्लेन कर दो कि अगर आपकी ये चीज सही है तो एटम स्टेबल कैसे रह रहा है उसको तो अनस्टेबल होना चाहिए उसका जवाब ये नहीं दे पाए लेकिन हमारे एक तीसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका हम अभी मॉडल पढ़ेंगे लास्ट मॉडल जिनका डिस्कवर डिस्कस करेंगे वो उन्होंने आके बताया मैं बताता तो, हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रॉदर फोर्ड लेकिन क्या क्या हुआ वो मैं समझाता हूँ वो उन्होंने कैसे समझाया वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन अगर कन्फ्यूजन है तो चार पांच चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है बार बार आ रही है वो क्लियर हो जाएंगी तो ये मॉडल अच्छे से समझ में आ जाएगा ना आईल सी इन दीडियो डिजन टेक केयर एंड बाय